हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवी दासी गोविंदास क्यूज़ीन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर देखा जाए तो कोई भी व्यंजन खास बनता है उसमें डाले जाने वाले मसालों से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी मसाला पाउडर, और यह पाव भाजी मसाला को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पाव भाजी सबको पसंदीदा होती है, और जब हम इसे होममेड मसाला पाउडर से बनाते हैं तो और भी। और यह जो मसाला है हम बहुत सारी डिशेस होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं सब खड़े मसाले, और यह जो मसाले की लिस्ट है उसके मेज़रमेंट्स के साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जितना जीरा, 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ, और हमने लिए है यहाँ पर 25 लौंग, 1 चम्मच जितनी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 यहाँ पर तेज पत्ते लिए हैं। अब लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से भूनना है, और उसमें से एक खुशबू भी आएगी। हमने पहले भी बहुत सारे होममेड मसाला पाउडर की रेसिपी शेयर की है, और उसकी लिंक हम उसके प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं और घर पर ही सारे मसाले बना सकते हैं। यहां पर 3 मिनट हो गई है, और अब हम इसमें डालेंगे काश्मीरी रेड चिल्ली 12 से 13 नंग। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। यह जो मसाला है कंपेरेटिवली ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है क्योंकि हम फ्रेशली ग्राउंड करते हैं और हाइजीनिक भी है। यहाँ पर करीबन 5 मिनट हो चुकी है, और सारे मसाले भूनकर बिल्कुल तैयार है। हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब इसे हमें पूरा ठंडा कर लेना है, और बाद में इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम और भी फ्लेवर मिलाएंगे। अब हमें इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना नमक, 1/2 चम्मच जितना काला नमक, और 1 चम्मच जितना आमचूर पाउडर। अब हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। यह बिल्कुल तैयार है, आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। यह जो पाव भाजी का मसाला है यह हम रूम टेम्परेचर पर 2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, बट आप प्रिफर वही कीजिएगा कि ताज़ा मसाला पीसकर जब हम कुछ व्यंजन बनाते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसे आप तवा पुलाव या पाव भाजी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि पोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।